दोस्तों आज मैं आपको लेकर चलूँगा चूनादाई माता जी का दर्शन कराने, और इस वीडियो का पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में पूरा मिल जाएगा। तो अब बने रहिए हमारे चैनल के साथ और आइए हम आपको लेकर चलते हैं चूनादाई माता जी का दर्शन कराने के लिए। जय जोहर संगवारी, आप सभी का स्वागत है मेरे एक्सिट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस लॉकडाउन के समय हम लोग भी हमारे प्रॉब्लम को हम लोग फेस करते हुए भी इस जगह पे हम लोग विजिट कर रहे हैं और आप लोग के लिए एक नई वीडियो की तैयारी पे थे। तो बड़ी मुश्किल से हम इस जगह पे आए, विजिट किए, क्योंकि हमको बहुत सारे पुलिसों का सामना करना पड़ गया बीच पे, और आप लोग के लिए तो वीडियो लेके आना था। तो भाई यार सपोर्ट किया करो यार, बहुत दुख लगता है अगला अगर आप लोग के तरफ से सपोर्ट नहीं आता, व्यूज नहीं आते। और आज हमारे साथ हैं किशन भाई जो अपना ब्लॉगिंग पे काम स्टार्ट है उनका, और इस जगह का मैं थोड़ा सा जानकारी आपको बता पाऊंगा। देखो ये घने जंगल में एक चूनादाई की हमको माता के बारे में हल्की सी जानकारी मिली, ग्रामवासियों ने बताया कि इस स्थान पे पहले बहुत बड़ा चूना का पत्थर हुआ करता था और ग्रामवासी लोग यहाँ पहले कुछ खुदाई उदाई किया करते थे। तो किसी कारणवश इस स्थान पे माता जी का कुछ छोटा सा प्रतिमा इनको दिखाई पड़ी, तो उस वजह से इस चूने के पत्थर को उन लोगों ने तोड़ना रोक दिया और इस स्थान में माता जी की आरती आराधना करने लगे। और यहाँ हर नवरात्रि में यहाँ माता जी के पास हमेशा दिया जोत चलाते हैं और पूरी अपनी श्रद्धा से यहाँ पर नारियल ओरियल से अपनी पूजा पाठ करते हैं। और ये स्थान पूरे जंगल के बीच में है, अगर आप इस स्थान पे कभी आना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए। इस स्थान पे अगर आप आएंगे तो आप माता जी की दर्शन प्लस इस जगह पे आप पिकनिक का भी मनोरंजन ले सकते हैं। तो इसके स्थान को मैं अपने हिसाब से मैं बोलूँ कि ये पिकनिक स्पॉट प्लस माता जी का दर्शन आपको दोनों हो जाएगा। तो अगर आप तो इस जगह के बारे में हम किशन भाई से थोड़ा सा बात करेंगे और वो हमको इस जगह पे आने की मेन लोकेशन बताएंगे। तो किशन भाई थोड़ा आप बताएं। तो दोस्तों ये जो जगह है ना, ये है हमारे छत्तीसगढ़ के नवनिर्मित जिला गौरेला पेंडा मरवाही के मरवाही ब्लॉक से करीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये जगह है। इस जगह को सेमरदर्री के नाम से जानते हैं और सेमरदर्री से करीबन ये लगभग 4 से 5 किलोमीटर के अंदर आना पड़ता है जंगल की ओर, वहीं पे ये जगह स्थित है। तो ये जगह आप आकर एंजॉय कर सकते हो। और इस जगह के बारे में तो जितना भी इन्फॉर्मेशन है आपको प्रकाश गुप्ता भाई दे ही देंगे। तो चलिए मैं अभी चलता हूँ आगे की तरफ। लोकेशन बताया था ना, तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सपोर्ट कीजिए यार अपने लोकल चैनल लोकल बंदों को, जिससे हम आपके लिए इसी तरह से हर एक नए नई वीडियो लेके आते रहें और बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो आपके लिए हम लोग पहुँचाते रहेंगे। हम इतने बड़े लॉकडाउन, अपने ज़िले में लॉकडाउन लगी हुई है, लेकिन हम उसकी परवाह ना करते हुए आपके लिए वीडियो के लिए फुल कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए हम वीडियो किसी भी हालत से लेके आए। और हम कोशिश तो हमारी बहुत दिनों से होती रहती है कि भाई कहीं तक कहीं तो हमको जाना है, लेकिन उस जगह पे हम लोग जा नहीं पाते हैं। तो बस यही हमारा प्लान रहता है, कोशिश रहता है कि आपके लिए एक अच्छी अच्छी एडवेंचर जगह उस स्थान का लेके आए जहाँ आप विजिट करें, अपना इंजॉयमेंट कर सकें। तो